अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये कृष्ण कुमार जायसवाल हैं, जायसवाल टेक्सटाइल और जायसवाल रिजॉर्ट के इकलौते मालिक। आपको क्या लगता है, ये ठीक है? जी नहीं, इनका दिमाग सटक चुका है। Ha ha ha!
एक आइडिया किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, और वो आइडिया इनके सटके हुए दिमाग में आ चुका है। ये नंबरों में अपनी कंपनी के 6 वारिस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनका लकी नंबर 6 है। ये हैं लकी नंबर 1, मिस्टर 9821260703। इन लड़कों को शर्म नहीं आती, आंटियों के साथ डांस करते हैं, शी लूजर्स। And your curves. Really? So tell me, your place or mine? इतना टाइम किसके पास है? मेरे बॉयफ्रेंड की कार पार्किंग में खड़ी है और चाबी मेरे पास है। Honey, I'll be back in 5 minutes. Take okay. care. She's so caring now. Just 5 minutes? ये तो तुम्हारे ऊपर है, उसको तो मैं आधे घंटे तक मैनेज कर सकती हूँ। You are very hot and sexy. Thank you. Wow, nice. वैसे तुम करते क्या हो? I'm a model, super model. कल एक इंटरनेशनल शूट करके रोम से वापस आया हूँ। Which product? इंडिया में नहीं बिकता, दिखता भी नहीं है। Oh, I see. But darling, मुझे दिख गया। क्या दिख गया? Bloody loser. सलामत तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसे तन गया। ये हैं लकी नंबर 2, मिस्टर 9821891217। लाला भाई भदौरिया। चमन, ए चमन, अब चमन पटन। साहब आप मुझे जानते हैं? का भैया पहचान नहीं रहे हो? लाला भाई। लाल लाल लाला भाई उड़ गए ना फाख्ते। कैसे पहचानता लाला भाई? सूट बूट टॉगल गाड़ी फटे हाल से माला माल है, ये चक्कर क्या चला है लाला भाई? अरे उसने चक्कर चलाया, 1 करोड़ की लाठी लग गई भैया, लाइफ सेट हो गई। क्या बात है? और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? लाला भाई किस्मत हो झंड तो कहाँ मिले कलाकंद। हाँ, ये तो किस्मत ने तो आपका साथ दिया है, संभल के रहना, 1 करोड़ हाथ में है, जिंदगी सुकून से कट जाएगी। अरे यार 1 करोड़ में क्या होता है आजकल, यो फुर्र से उड़ जाते हैं। अब तो पैसे से पैसा कमाना है। इरादा क्या है लाला भाई? देखो भैया बहुत कर ली गुलामी। हाँ? बहुत धक्के खा लिए भैया। अच्छा? अब खुद का बिजनेस शुरू करना है। हाँ? प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। हाँ? साल भर में 10 करोड़ अंदर, पैसे की रोलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। टेंशन नहीं है, माइंड एकदम क्लियर है। लेकिन लाला भाई भूल मत जाना हमें। 1 करोड़ में भूला? नहीं।
कोर्स नॉट प्रतीक डार्लिंग, आई विल सी ऑन संडे ओके। मैं तुम्हें अपना एड्रेस एसएमएस कर दूंगी ओके। चाओ बाय। कांता, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले, पुट इट इन कलर्स। हाय डॉली। ये हैं लकी नंबर 3, मिस 98212 98242। हेलो, गुड आफ्टरनून बोलो तुम्हें, लेट एज यूजुअल, कम अप। द कलर्स ऑफ दिस सीजन ओनली, कितना खर्चा हुआ? 4000। एक का नहीं सबका पूछ रहे हो, कितना खर्चा हुआ सबके लिए? डॉली सबका 4000। 4000 फॉर ऑल? फिनिशिंग इतनी खास नहीं है, आई थिंक 3000 इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ दिस। एनीवे तुम नीचे जाओ, यू ऑलरेडी सो लेट, गो एंड डू योर वर्क। आई विल सी अगर मुझे कुछ भी पसंद आ रहा है इसमें से या नहीं। गो गो ओके। गो 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 गो। बैग कौन लेकर जाएगा श्रुति? सॉरी मैम। और तुम अपनी बकवास करना बंद करो और काम करो। ये टैग्स निकाल कर डॉली कुमारी के टैग्स लगाओ। और प्राइस टैग्स पर इसका 5000, उसका 10000, इन दोनों का 12000, इसका 11, हाँ ये दोनों 11000 हो सकते हैं। व्हाट यू लुकिंग एट मी, गेट टू वर्क। यस यस मैम। इट्स टू गुड डॉली, यू नो व्हेन यू कम टू डॉली यू ऑलवेज गेट द बेस्ट। हां डॉली, क्या ये मुझ पे सूट करेगा? अरे ऑफ कोर्स सूट करेगा पिंकी, व्हाई नॉट। अरे इतनी मेहनत और बकवास करके प्लीज तैयार करना है, रियली वर्क हार्ड फॉर इट। I'm ready. ये हैं लकी नंबर 4, मिस्टर 98217120 65। अरे यू आर रेडी? ऑफ कोर्स गौरव, सारे कैप्शंस तुमने 3 दिन में तैयार कर दिए, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ। डज दिस कॉर्न फाल्कीज टेस्ट बेटर? Who knows? At least the box is cute. What? Next. No mas soap. Tandurusti aur twacha ka nahi hai dawa. Sirf saaf safai ka pakka vaada. Next. Come to Delhi. There were fewer murders and rapes last year. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? Are you mad? तुम कहना क्या चाहते हो? This is just honest and innovative campaigning. It's innovative and honest bullshit. It's not even bullshit. It's innovative and honest horse shit. It's not even horse shit. It's donkey shit. Enough! Stop! ये फेनिस क्रीम आपको 7 दिन में गोरा बना देता है। That's bullshit. डियो लगाओ, लड़की पटाओ। That's horse shit. ये बर्तन धोने वाला साबुन आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है। That's donkey shit. What are you trying to say? यही कि मैं अपने आइडिया से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। प्रोडक्ट कैसा है कस्टमर्स को खुद डिसाइड करने दीजिए। Trust me sir, we're rocking. People will go crazy. You'll go crazy. I'll go crazy. Come here. I want to tell you something. Are you out of your mind? Are you insane? Are you mad? You should be in an asylum. Honey, why do we use condoms? Oops. Sorry. Protection 100%. Leakage ka koi chance nahi hai. Nail tight kar diya hai. Thank you. Aapko jab bhi meri zarurat pade, bula lijiyega. 24 ghanta service hai. It's okay. Koi bhi time. Bola pilambar. I got it. Paradise condoms. No flavor, no pleasure. Protection 100%. That's it. I got it. जितने stupid तुम हो ना, उतने ही stupid तुम्हारे ideas हैं। हनी तुम देखना, एक दिन सब लोग मेरे ideas को समझेंगे। Yeah. कब आएगा वो दिन? 2 साल से यही सुन रही हूँ। 3 महीने से तुम्हें सैलरी तक नहीं मिली। हनी तुम्हें 15-20 हज़ार के पीछे क्यों भाग रही हो? मैं तो करोड़ों के सपने देख रहा हूँ। Crores. बस सपने देखते रहना तुम। ये है लकी नंबर 5, मिस्टर 9870871151।
boy comes back again. Yeah. Yo, touch it. Catch me if you can. Mentor us, they say. Jara, pa, metal, hilfuri, kara, ta. Jabir, jila, di, do, 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 mecha, karu, mecha, karu. मैं कब से तेरे को बोल रहा हूँ गाड़ी रोक सुनता नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गाड़ी के पेपर्स? वो भी नहीं। डिक्की खोल। डिक्की में क्या? मेरे एक दुश्मन की लाश। लाश? आपका ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी के पेपर्स ये। क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या सर? आई एम सॉरी सर, दरअसल हमारे एक बेवकूफ से हवलदार ने हमें यह इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी गाड़ी में लाश है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उस बेवकूफ हवलदार ने आपको यह भी कहा होगा कि मैंने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा था। ओए, तुम काम वाली भाई कम और फैशन वाली भाई ज्यादा लगती है। और तू घर वाले बाप कम बाहर वाले बाप ज्यादा लगता है। घर में टिकता ही नहीं है। अरे तू फिर शॉपिंग कर रहा है? डैडी तो डिस्काउंट पे था 50%। अरे फ्री में तो नहीं है ना? नहीं, इसमें 50% फ्री है, बाय वन गेट वन फ्री। तू सीरियस कब होगा? डैड मैं आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये टैटू देख रहे हैं? है ना फैंटास्टिक। एक और है, है? बड़ा कांट शो यू, आई एम सॉरी बॉबी। देख, मैंने 25 साल दिन रात मेहनत करके रुपया कमाया और तू सारा रुपया शॉपिंग मॉल वालों को दे के आ रहा है। मेरा रुपया उस टैटू पर लगाया जो नजर भी नहीं आता। बुश बड़ा, आई एम यू, आई एम टुडे। तूने कल के बारे में सोचा है? डैड आज तक कल किसी ने देखा है? हाँ, गांधी जी ने देखा था, धीरू भाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था। वाओ, गुड फॉर देम। बॉबी बॉबी बॉबी, मुझे लगता है जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक तू सीरियस नहीं होगा। डैड आई एम एंजॉयिंग माय सिंगल स्टेटस, नो इमोशन, नो अटैचमेंट, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, ठीक है, तू एंटरटेनमेंट कर अपने दम पर। तो ठीक है, आज से मैं अपने दम पे एंटरटेनमेंट करूंगा। वेरी गुड, तो इसका मतलब है कल से तू मेरा हाथ बटाएगा मेरे बिजनेस में। ना, बिजनेस तो आपका है और मैंने अपने दम की बात की है। तो कुछ दिनों के लिए फ्री हैंड दीजिए मुझे, ये लीजिए अपनी कार की चाबी। घर छोड़ने से पहले मां के पांव तो छू लूं। बॉबी, अरे मैंने शादी करने के लिए बोला है, अरे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। हां, तो मैंने भी कुछ दिनों की एंटरटेनमेंट की बात की है। एंटरटेनमेंट? बॉबी मां, मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं। जा बेटा जा, बड़ा आदमी बनना है और खाना पीना टाइम से करना है। अरे आरती, ये घर छोड़कर जा रहा है। अरे मीरा का पति उसका घर छोड़ के जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल रहा है।
मीरा। अरे उनके घर की प्रॉब्लम को छोड़ अपने घर की प्रॉब्लम को देख आरती। हमारे घर की प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं, मीरा के प्रॉब्लम्स तो देखो क्या फेस कर रही है। उसकी सास ने मोतियों का दान किया होगा तब जाके ऐसी बहू मिली मीरा। डैड एक कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। कमर्शियल ब्रेक? माँ ये कर रही है और बेटा कमर्शियल ब्रेक? ए आरती कभी कभी ये चैनल भी देख लिया कर, बड़ा एंटरटेनिंग है ये देख। बहुत डिस्टरबेंस है इधर, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। सारा खानदान ही पागल है। लकी नंबर 6, मिस 98213-37266। क्या हुआ? अब मैं और टीवी सीरियल नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? टीवी सीरियल की सबसे बड़ी स्टार हो तुम, घर घर में लोग तुम्हें देवी की तरह पूछते हैं और तुम? मैं घरों पे नहीं दिलों पे राज करना चाहती हूँ, जवान दिलों की धड़कन बनना चाहती हूँ। आई एम अजीबा और इस टीवी सीरियल ने मुझे देवी बना दिया। क्या नहीं है तेरे पास आशिमा? आइटम शो नहीं है, फिल्म पे अवार्ड नहीं है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस नहीं है, फॉरेन लोकेशंस नहीं है, पेट्री पार्टीज भी नहीं है, और हाँ नेहा कॉफी विद करण भी नहीं है। समझ रही है तू? बहुत दर्द है मेरी जिंदगी में, तुम नहीं समझ सकती। She is not ready. She is. You are not ready. Mukti, मैं तैयार हूँ. I'm ready. तुम ऐसे इन कपड़ों में पब्लिक प्लेस में इन कपड़ों में जाओगी? Don't you dare try to play with your image, or else I. Mukti Kapoor, I will ruin you! I'll... Relax. Get ready. Madam, phone. Go! Namaste, Meera ji. Meera ji, pranam. Devi, ma'am. Chukki, no, sir. डॉक्टर साहब क्या हुआ अंकल को? लगता है कोई गहरा सदमा लगा है उन्हें, इसलिए अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अरे लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक? देखिए मैनेजर साहब, जायसवाल साहब अब बूढ़े हो गए, उनकी कोई औलाद नहीं है, उनका इतना सारा बिजनेस, ये रिजॉर्ट, उनके बाद कौन चलाएगा? शायद यही सदमा लगा होगा। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। मैं हूं ना अंकल, और वैसे भी आपने कितनी बार मुझसे कहा है कि मैं आपका बेटा हूं, फिर ये अंकल, 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 मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आजा बेटा, जबर जा। पता है आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? मुझे मेरी कंपनी का बारिश मिल गया। तू बता कौन हो सकता है वो? है कौन हो सकता है? मैं, अरे एक नहीं, छे मिल गए हैं वारिस मुझे। हाँ, छे कहाँ है? कहाँ है? इधर है इन दीवारों में है। ढूंढ ले, अगर ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। अंकल इन सब की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। मेरे बेटे तू इस टेंशन को मत ले, इससे दूर रह। अरे तू तो मेरे दिल के बहुत करीब है मेरी जान।
ये वो नंबर्स, मेरे बारसों के नंबर्स ये हैं। अरे कौन है वो? अच्छा अब तू जा, अब तू जा, मैं इन सबको SMS करूंगा। जा 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 जा। This is to inform you that you have been chosen to be owner of a multi-million company. For more details, please contact Jaiswal. एक तो आदमी इतना ही परेशान है, उसके ऊपर से ये फालतू एसएमएस आते रहते, डिस्टर्ब करने। डिलीट। फोटोग्राफ्स ले लिए हैं, अब आप जाइए। मैडम कुकरेजा साहब से मीटिंग करवा देना प्लीज। आई एम सो सॉरी सर, कुकरेजा साहब किसी से नहीं मिलते। या ऑफ कोर्स मेरे बेस्ट डिजाइंस हमेशा तुम्हारे लिए होते हैं। आई नो डॉली, आई नो यू आर एब्सोल्युटली मार्वेलस एंड आई शिट। व्हाट हैपेंड कुकरेजा? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, ओह आई एम वेरी सॉरी, वो कॉस्ट्यूम की लिस्ट में देना ही भूल गया। जस्ट वेट 1 मिनट एंड आई विल बी राइट बैक। हेलो। हेलो, यू आर क्वाइट अ डॉल। कुकरेजा साहब से मिलवा दो ना प्लीज। Haven't I seen you in some print ad somewhere? I'm fresh. Oh, that I can see. You know Manik? Manik, right? Manik. मैं तुम्हें कुकरेजा से मिला सकती थी, I mean, not a problem at all. और वो मेरी बात टालता भी नहीं. Ad world और fashion world में डॉली कुमारी की बात को टालना बहुत मुश्किल है. But you know, honey, हर चीज का एक सही वक्त होता है ना? Yeah. Hey, driver, 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 driver. Wait, wait. रुको, रुको. पीछे चलो. Reverse. देसी वायग्रा है ना ये? Hey, correct me if I'm wrong, but कल ही मैंने तुम्हें एक ऐसे ही ad में देखा था ना, what was that? दांत खाज खुजली and all that. You're pretty hot in these circles, huh? Manik, where are you going? Let me guess. तुम किसी घटिया से तेल की शूटिंग के लिए लेट हो रहे हो है ना? मेरी मंजिल वो नहीं है, वो है काफी दूर है, पास बैठ जाओ, जल्दी पहुंचा। चमन, ए चमन, अबे चमन पटेल, कावैया पहचान ही नहीं रहे हो? अरे लाला भाई, लाला भाई, लाला भाई, ये क्या गाड़ी कहाँ? बिक गई। कैसे? अरे पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया था, चार दिन में राता फैल गया। मतलब? अरे पुराने लोग सही कह के गए भैया, सांझे की हंडिया फूटे बीच बजरिया, 80 लाख स्वाहा। 80 लाख का नुकसान? ये तो बहुत बुरा हुआ लाला भाई। अरे बुरा कुछ नहीं हुआ भैया, बुरा कुछ नहीं हुआ। 80 लाख गए, 1 करोड़ का एक्सपीरियंस मिला, बिजनेस करो मगर पार्टनरशिप में कभी नहीं करो। इसमें अच्छा क्या हुआ लाला भाई? अरे तुम उजड़े जमा नहीं रहोगे, 80 लाख गए, 1 करोड़ का एक्सपीरियंस मिला, 20 लाख के प्रॉफिट में चल रहा हूँ ना। 20 लाख में आप क्या करोगे? अब बहुत है। अरे 20 लाख के कैश में 1 करोड़ का एक्सपीरियंस डालूंगा, 1 करोड़ वापस करूंगा, साल भर में 10 करोड़ अंदर, पैसे की रोलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। सीख चुका हूँ, सब सीख चुका हूँ, समझ गए? बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है सब सीख चुका हूँ। अब लाला भाई भदौरिया को कुछ छूना नहीं लगा सकता, टेंशन नहीं है, माइंड एकदम क्लियर है। बैठ जा। अरे बैठ जा, पक्के पुल तक छोड़ देता हूँ। खराब हो गया। लाला भाई,
आप फटफटी चला रहे, फोकस कीजिए, हॉर्न मैं बजा देता हूँ। अच्छा है। निकाल पैसे, मैं बोल रहा हूँ। सर जी मैं पैसे कहाँ ले रहा हूँ? निकाल पैसे। गड्डी तो आपने ठोकी। अबे तूने ठोकी है? सर जी साइड आपने भी दी। निकाल पैसे। क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करते हो, ऊपर से सेठ जी के साथ हटते हो। चल सॉरी बोल और निकल यहाँ से। सॉरी जी। नहीं मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। पैसे निकाल। कितने पैसे हुए? 20,000। तो ये गरीब आदमी 20,000 रुपए कहाँ से देगा? हाँ जी हाँ। तो तुम दे दो, खड़े खड़े यहाँ पे लीडर बन रहे हो, 20,000 दोगे? 21 दूंगा। फट चलो। चलो आप चलिए, मैं आता हूँ। ए बॉस और कितना टाइम लगेगा? एक सेकंड साहब को सैंडविच खिलाओ। अरे नहीं खाना है यार, सैंडविच पे सैंडविच खिलाया जा रहा है, दो खा चुका हूँ। एक सेकंड, फोन आ गया, इंपॉर्टेंट फोन है। हेलो मिस्टर मित्तल, हाउ आर यू? व्हाई डू टेक टेंशन सर? यू डोंट टेक टेंशन मिस्टर मित्तल, आप अपनी स्टील कंपनी संभालिए, हम आपका स्ट्रेस संभालते हैं। मैंने ईमेल कर दिया है, आप तक पहुंच रहा हूं। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी, आप अभी लक्ष्मी मित्तल से बात कर रहे थे? या यू नो हिम? नाइस गाय। नहीं नहीं जानता तो नहीं हूं, बट नाम बहुत सुना उनका। आप बुरा ना माने तो एक बात बताएंगे? हाँ पूछिए। आप करते क्या है? मैं स्ट्रेस बस्टर कंपनी चलाता हूँ। कहाँ? आपके सामने यहाँ। यहाँ नो ऑफिस? वेस्टर्न टाइप का कंसेप्ट है, यहाँ के लोग ना उसको समझ सकते हैं ना अफोर्ड कर सकते हैं। ट्राई मी, शायद मैं अफोर्ड कर सकूं। आप मुझसे काम करवाएंगे? हाँ, व्हाई नॉट। चलो इसी बहाने आपका आईक्यू चेक कर लेता हूँ। पिछले 10 सालों के अंदर इकोनॉमी बूम हुई है। पैदल चलने वाला आदमी मारुति में चल रहा है और मारुति वाला मर्सिडीज के अंदर। कदम कदम पर मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। चारों तरफ पैसा धरा का धरा हुआ है और दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है। आप भी स्ट्रेस से परेशान है, वरना 20,000 रुपए के लिए गरीब आदमी से क्यों भिड़ जाते? बल्कि आप फ्रस्ट्रेटेड है। या तो आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है, या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और आप चाहते नहीं कि आपकी वाइफ को पता लगे। एनीवे, आप अपना गम अपनी तकलीफ किसी को बताना चाहते हैं मगर कोई सुनना ही नहीं चाहता, यही तो प्रॉब्लम है। लोगों के पास पैसे बहुत है मगर टाइम ही नहीं। हर कोई दौड़ रहा है मगर पहुंचेगा कहां उसको पता ही नहीं। हर कोई बोलना चाहता है मगर सुनने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे में हम दुनिया के सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहां पर बैठे बैठे। दरअसल मैं अपनी आपकी अपनी सेक्रेटरी के जी जी अफेयर में फंस गया। इंटरेस्टिंग। मुझे डर है कि मेरी वाइफ को पता ना चल जाए। खुल के I love my wife and my family. इतने स्ट्रेस में इंसान समझ भी कैसे सकता? इसके लिए आपको किसी और पर्सपेक्टिव की जरूरत है। And that's my job. Will you help me solve my problem? कर सकता हूँ, but you can't afford me. No, no, try me. I'm ready to pay whatever your fees is. Are you sure? Yeah. Okay. आप अपना कार्ड नंबर डाल दीजिए और $5,000 डाल दीजिए। $5,000 मतलब 2,50,000 रुपया? जी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी, कम करके मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। मैंने तो कहा था आपसे कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं नो नो, I'm paying. अब ये समझ लीजिए कि इसी के साथ आपका जो स्ट्रेस है मनी इज ट्रांसफर्ड। ऑलराइट, नाउ लिसन। आपकी जो सेक्रेटरी है जो भी है ये बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। आप उसके हाथों में अपॉर्चुनिटी थमा दीजिए और अपना हाथ छुड़ा लीजिए। अपने ऑफिस में एक हैंडसम एंड गुड लुकिंग यंगस्टर को नौकरी दे दीजिए, अपनी सेक्रेटरी को प्रमोशन दे दीजिए और दोनों को एक काम देकर किसी फॉरेन कंट्री में भेज दीजिए जो कि बहुत ही रोमांटिक हो। वहां उनका काम हो जाएगा या आपका काम हो जाएगा। यू आर अ जीनियस। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। जी बिल
एक्सक्यूज मी सर बिल। अरे वेटर, अरे पेमेंट कर रहा हूँ ना मैं। नो नो आई एम पेइंग। वो जिद कर रहे हैं, ले लो। हाँ ले लो ले लो। मौसम की मर्जी है, चाहत की अर्जी है, दिल भर बेदर्दी है, बाहों में भरे नहीं। मौसम की मर्जी है, चाहत की अर्जी है, दिल भर बेदर्दी है, बाहों में भरे नहीं। शबनम शबनम होंठों की पीले वरना आशिक कुछ ना कुछ कर जाएगा। Tell me how you feel. In the night when the creepers move, in the night when the shadows grow, in the night when the creepers move, in the night when the... तेरी झुकी नजर दे जाती है कोई दर्द जिगर, तेरी झुकी नजर हाय तेरी झुकी नजर। You're superb. नहीं पहनना मुझे, दाम घुटता है मेरा इन साड़ियों में। यहाँ से जाओ। शू, प्लीज। मुक्ति कपूर का फोन। ला, दे मेरे को। You can't, आशिमा। Hello. Where the hell are you? Stop yelling at me. Oh shit. तो
तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? तुम मुझसे बात कर रही हो, मुझसे, मुक्ति कपूर से बात कर रही हो, मुक्ति कपूर से। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे नौकरों को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे कुत्तों को बर्बाद कर दूंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। रिलैक्स रिलैक्स। आशिमा स्वीट हार्ट, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें पर एपिसोड और कितने पैसे चाहिए? बॉस मेरे को सीरियल करना ही नहीं है, प्लीज। तुम्हें पता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो? अच्छा मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ? मिस मुक्ति कपूर, इस सैटरडे को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और वो मेरा आखिरी दिन होगा शूट करने के लिए। ओके यू गेट दैट? मैं ना मैं तुम्हें इस टीवी इंडस्ट्री में रहने नहीं दूंगी। ओके मुक्ति, तुम ऐसा कर सकती हो तो प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री की परछाई से भी दूर रहना चाहती हूँ। यू गेट दैट मुक्ति कपूर? बाय बाय। पूछो ना पूछो मुझे क्या होगा तेरी कमिंग बाहों में। हाय। हेलो कम इन। Wow, what a lovely place you have, madam. Oh, don't call me madam. Actually, मैं थोड़ा confused हूँ, आपको madam बोलूँ या auntie बोलूँ? Auntie? Do I look like a freaking auntie to you? Get out! Nini, I mean... Oh, please. Nini, I mean, you are very sexy, you're beautiful, hot, magnetic. You look magnetic, magnetic. अच्छा बोलते हो अगर... फीलिंग के साथ बोलोगे तो और भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं आपके सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। दैट्स इवन स्वीटर। कुछ ऐसा करते हैं व्हिच वोंट मेक यू फील नर्वस एट ऑल। कहाँ रहते हो तुम? चिंचपोकली। ओह माय गॉड, कितना स्ट्रगल कर रहे हो? हर मूड पर स्ट्रगल है, कभी कच्चा पहनना पड़ता है, कभी उतारना पड़ता है। मेरा बॉयफ्रेंड स्ट्रगल करे, आई डोंट लाइक। बॉयफ्रेंड? आई एम नॉट योर बॉयफ्रेंड। हां तो फिर ये सब क्या था? ओह माय गॉड मानिक, तुमने मुझे अपने इमोशन में डालकर मेरा यूज किया है। ओह गॉड डॉली, यू हैव बीन सच अ फूल। आई थॉट मेरा एक बॉयफ्रेंड हो जाएगा तो मैं जहां भी जाऊंगी उसे साथ ले जाऊंगी, उसे लोगों से मिलवाऊंगी, उसका कैरियर सेट करवाऊंगी, उसके कॉन्टैक्ट्स बनवाऊंगी, आई विल मेक हिम इनटू अ स्टार। बट यू डिडंट लेट मी। ओह माय गॉड, आई एम नेवर गोना फॉल फॉर दिस इमोशनल ट्रैप अगेन। नो नो नो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ओह नॉट गॉना। आप मुझे डॉली सच। नो नो नो, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं हूं, आई एम योर लवर, यू आर माय स्वीटहार्ट। तुम कह रहे हो शिलाजीत का ब्रांड एम्बेसडर कह रहा है? लुक एट शाहरुख। Not there. Look at Shahrukh. Pepsi का brand ambassador है ना Shahrukh, है ना? दिन रात Pepsi पीता है. You've got to reach that level, honey. No. Trust me. No. Trust me, honey. No. You've got to reach that level, no. Honey. Trust no, me. No, please. लाला भाई फटफटी कहाँ गई? अरे बताया नहीं तुम्हें? नहीं। अरे नुकसान हो गया भैया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे चोटें तो लगती रहती हैं, मगर हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। आदमी गिरता है, उठता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। मगर एक बार अपनी नजरों से गिर जाए ना तो कभी नहीं उठ सकता। सीधी हो गई? हाँ हो गई। लेकिन हुआ क्या लाला भाई?
अरे वो प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए एक शॉप ली थी, हाँ। 19.5 लाख उनको शाम को पकड़ा है, हाँ। ससुर वो सांप मुकर गए सुबह। ये तो बहुत बुरा हुआ लाला भाई। बुरा कुछ नहीं हुआ भैया, बुरा कुछ नहीं हुआ। 19.5 लाख गए, मगर बदले में 1 करोड़ का एक्सपीरियंस मिल गया। बिजनेस करो मगर पहले सारी लिखा पढ़ी कर लो। अब मैं सीख चुका हूँ, सीख चुका हूँ बिजनेस में क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना है। लाला भाई फिर भी इतनी बड़ी रकम हाथ से निकल जाए तो अफसोस तो होता ही है ना। अरे अफसोस मुझ पे मत करो भैया, अफसोस मुझ पे मत करो, उन पे करो जो मुझे धोखा दे गए। मुझे तो बैठे बिठाए 1 करोड़ का एक्सपीरियंस देगा, बदले में क्या ले गए? क्या बाप, ऊपर उनका हिसाब किताब होगा, मेरा नहीं। बैठो। एक बात की प्रोग्रेस है लाला भाई, फटफटी जाने से हॉर्न बजाने की किट खत्म हो गई है। सही जा रहे हो भैया। 5 मिनट, that's too much. I'm very busy. आप जल्दी आइए। दिया टाइम नहीं है यहाँ पर। मिस्टर वाधवा, डोंट वरी अबाउट योर प्रॉब्लम। मिस्टर जय वालिया को भी एक लड़की इसी तरह से तंग कर रही थी। मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। जी हाँ, मिस्टर जय वालिया, वेरी क्लोज टू मी। आप इसे बाद में भी आ सकते हैं। टाइम ही टाइम है मेरे पास। सर प्लीज, यस यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके ओके, गिव मी 2 मिनट्स। आई एम टॉकिंग सम क्लाइंट। वेरी वेल। ओके, थैंक यू। सर सर, दिस प्लेस इज बुक्ड फॉर मिस्टर जय वालिया। माय क्लाइंट एंड माय फ्रेंड। ओके, यू टू बेबी। मिस्टर वालिया, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल एंड सक्सेस एंड हार्ट drop of the beautiful rocking girls. sir, aap se mujhe gujarish karni thi, aap zara side mein aenge please. Sir, please. I'm such a big fan of you, sir. Sir, pata nahi main aapki tarah kab banunga, lekin aaj meri client ke sath meri pehli baar meeting hai aur hum log wahan par baithe hue hain. Sir, unke samne mujhe ek baar hi bhabhi bol dijiyega, meri life ban jayegi. Don't worry. Thank you, sir. I'll do that. Thank you very much, sir. You are a bright boy. Thank you, sir. Sir, ek puppy milegi. ये लोग किस लिए? सॉरी सर। बॉबी साहब जी, वालिया जी से मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए प्लीज। मिस्टर वाधवा, मैं यहाँ पर बिजनेस मीटिंग पे आया हूँ आपका इंट्रोडक्शन कराने के लिए। इस केस के लिए मैं 25 लाख रुपए लूंगा। 25 लाख? 25 लाख तो बहुत ज्यादा है। हाय बॉबी। मिस्टर वालिया, कांट यू सी दैट आई एम सिटिंग इन अ मीटिंग यार। छह छह लड़कियों के साथ बैठकर जलाते रहते हो, बी ए फ्रेंड यार। He's a naughty boy. Naughty boy, come and be naughty again. Naughty boy, can you hear me? Come and be naughty now. मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं। Baby, love me one more time. Baby, love me one more time, honey. No, 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 no. गौरव, मैं कब से बेल बजा रही हूँ? सॉरी, दिस इज साकी। हाय हाय गौरव। हाय। अच्छा तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। मैं तुम्हें कल फोन करती हूँ। बाय। गौरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्योर। साकेत ने आज मुझे प्रपोज किया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो तुमने क्या कहा? मैं लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ गौरव, और साकेत वेल सेटल्ड है। सारा, तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार उस लग्जरी का नाम है जो बाकी लग्जरीज के साथ मिले तो अच्छा लगता है। जिंदगी में सब कुछ हो और प्यार ना हो तो बहुत बुरा लगता है सारा। साकेत के पास सब कुछ है और वो मुझसे प्यार भी करता है। तो क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा? आधी जिंदगी तुम्हारे साथ स्ट्रगल करो और बाकी की जिंदगी अफसोस करो। आई एम सॉरी, आई कांट सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर यू। सारा गौरव प्लीज, मैं टीवी देखने की कोशिश कर रही हूँ। सारा, बट यू हेट क्रिकेट।
मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियां दूँ, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। साकेत के पेरेंट्स आ रहे हैं 3 महीने में लंदन से। नाउ लिसन केयरफुली, ये मीरा का आखिरी एपिसोड है। दिस इज हर डेथ एपिसोड। अरे क्या हुआ आरती? मर गई। कौन मर गया? मेरी मीरा मर गई। मैडम खाने का क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलो। कमीनी कोमलिका, तुझे खाने की पड़ी है? मैं खाना नहीं खाऊंगी। कोई खाना नहीं खाएगा, 2 दिन तक इस घर में खाना नहीं बनेगा। मेरी देवी जैसी मीरा मर गई। ये वुपी मर गई। यूपी, अब होगी आशिमा कपूर की बॉलीवुड एंट्री। एक ऐसी जवान लड़की की कहानी जो बिंदास है। कॉलेज और मोहल्ले का हर लड़का उसका दीवाना है। उसका स्कर्ट जब हवा में उड़ता है तो लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। डिस्को ठीक जाना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करना, यही उसका लाइफ स्टाइल है। मगर उसके लाइफ स्टाइल से उसकी बड़ी बहन को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक विधवा है
दो बच्चों की माँ है। अच्छा? मगर हमारी हीरोइन फिर भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। कैसी लगी कहानी? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। मुझे मालूम था आपको अच्छी लगेगी। रोल अच्छा है। बहुत अच्छा है। अरे आप ही कर सकती हैं। विधवा के रोल में क्या लगेंगी आप? लोग निरूपा राय को भूल जाएंगे, ट्रस्ट मी। कमीनो कुत्तो, बनने आई थी मैं ऐश्वर्या राय और तुम मुझे बना लो निरूपा रॉय। बंद कर ये रोना धोना। तो जब कर बहुत दर्द है मेरी जिंदगी में। बत्रा, अरे बत्रा मेरे बेटे। अंकल। जी अंकल। अरे तू मेरा मोबाइल फोन यूज करता है? अंकल मैं भला आपका मोबाइल फोन क्यों इस्तेमाल करूंगा? तो फिर ये एसएमएस मैसेजेस किसने भेजे? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन चोजन एज ए ओनर ऑफ ए मल्टी मिलियन कंपनी, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर जायसवाल। ये क्या किसने भेजे हैं ये? अरे अंकल आप भूल गए, ये एसएमएस तो आप ही ने भेजा था। अरे मैंने भेजे थे, मैं क्यों भेजूंगा? अंकल उस दिन आपने मुझसे कहा था रिमेम्बर दैट डे कि मुझे 6 वारिसदार मिल गए हैं, उनके नंबर यू शोन मी एंड उसके बाद आपने ये एसएमएस उनको भेजे थे। दैट डे अंकल उस दिन। ओ ओ अच्छा 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 याद आया याद आया याद आया याद आया, मैं तो भूल ही गया था। अरे याद मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तुमने मुझे याद दिला दिया, मेरा प्यारा प्यारा पुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अरे कितना अच्छा तू है। लेकिन उनका मैसेज तक नहीं आया। हाँ तो छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, जस्ट फॉरगेट नाउ, भूल जाइए। नहीं नहीं बेटा, अब तूने मुझे याद दिला दिया मेरे बच्चे, मैं खुद सबको फोन करता हूँ। अब तू जा 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 जा। हो गया, इट्स डन। आपकी प्रॉब्लम काफी बड़ी है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, कुछ कीजिए ना प्लीज। आई वुड लव टू। आई मीन आई एंजॉय टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस आई सी इट इन राइट पर्सपेक्टिव। ओके, मगर उसके लिए आपको मुझे अपनी प्रॉब्लम खुल के बतानी पड़ेगी। अब बात ये है कि मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं उन सबके पास बॉयफ्रेंड्स हैं, पर मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। कमाल की बात है, इतना अच्छा माल अभी तक गोडाउन में पड़ा हुआ है। जी आई मीन आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर किसी को मिल जाए तो वो आदमी माला माल हो जाए। आर यू हैंगिंग अराउंड विद गेस? एक्सक्यूज मी, जरा फोन आ गया। हेलो, जायसवाल टेक्सटाइल कंपनी का मालिक किशन कुमार जायसवाल बोल रहा हूँ। टेल मी योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? आप करोड़ों रुपयों के मालिक बन सकते हैं। भाई साहब इस वक्त करोड़ों का माल मेरे सामने पड़ा हुआ है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, और आप सोचते हैं कि मैं आपसे बात करूं? आई आप बाद में फोन लगाइए प्लीज। चलिए मार खड़ी माल। मैं जायसवाल बोल रहा हूँ। हाँ भैया, आपको इतनी दौलत का मालिक बनाना चाहता हूँ कि आप सारी जिंदगी आराम से बैठ कर खाइए। अरे भैया देखिए, आदमी काम करने आया है, आराम करने नहीं। रखिए। अगर आपको करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगी? करोड़ों रुपए? खुद की फिल्म प्रोड्यूस करूंगी। जी जी मैं चैरिटी करूंगी। चैरिटी करेंगी? मीडिया वाले थे, मुझे चेक कर रहे थे, अगर मैं फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? कम बैक टू बेड हनी। कब तक चलेगा ये सब? तुमने एक डायरेक्टर से भी नहीं मिलवाया मुझे। मिलवाऊंगी ना, लेकिन हनी यू नो हर चीज का सही वक्त होता है ना? किसके लिए हर वक्त सही होता है? कभी तो ब्रेक दिलवाओ मुझे, दोपहर के 2 बजे और कितना भी मुझे। मानिक वॉच, नहीं सुनना है मुझे, नहीं रहना है मुझे। तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो रैंप पे चलने के लायक भी नहीं बचूंगा। धवल, डॉली बोल रही हूँ। मैंने तुमसे बात की थी ना करके की, हाँ पेप्सी के कैंपेन के लिए। वेल तुम किसी और को, वो इंटरेस्टेड नहीं है। कांट हेल्प इट। यू नो आई लव यू बेबी। यू डोंट। आई लव यू हनी। नो यू डोंट। आई लव यू। प्यार करने वाले क्या लड़ते नहीं है? नॉटी बॉय। आई लव यू डॉली कुमारी। डॉली कुमारी। एक सेकंड है। सच नॉटी नॉटी नॉटी। हेलो, मैं किशन कुमार।
छी, ये क्या कर रहा है? नहीं बेटा, ये बहुत मेहनती लगता है, लंच टाइम में भी काम कर रहा है। अरे लेकिन अंकल, ये आवाजें कैसी है? ऐसा लगता है बेटा कि ये कोई बहुत इमारत तोड़ रहा है। हेलो, मुबारक हो, आपका नंबर चुना गया है। आप करोड़ों की कंपनी की देखिए आई एम रियली बिजी राइट नाउ, प्लीज कॉल मी लेटर। कौन था? वही सेलफोन कंपनी वाले, एसएमएस पे क्विज खेलो, पैसा बर्बाद करो। आई डोंट नो इन्हें हम गरीब लोगों का नंबर कहां से मिल जाता है। टैलेंटेड लोग गरीब नहीं होते बेटे। अंकल, मैं सस्ते दामों में आम आदमी तक डिजाइनर कपड़े पहुंचाना चाहती हूं। बेटे तुम एक गलती कर रही हो, फैशन इंडस्ट्री में नाम बिकता है, इसीलिए तुम्हारे कपड़ों पे डॉली का टैग लगता है और वो बिकता है। इसका मतलब जिंदगी भर मेरे कपड़ों पे डॉली का टैग लगता रहेगा? नहीं नहीं, तुम एक काम कर सकती हो, जिंदगी चलाने के लिए तुम यहाँ काम करती रहो और वक्त निकाल कर बड़े बड़े डिजाइनर से मिलो, उनको अपना कॉन्सेप्ट दिखाओ और कमीशन की बात करो, उसी कमीशन के पैसे से अपना एक बुटीक खोलो। यू कैन डू इट, तुम हिम्मत वाली हो। थैंक यू अंकल। गौरव, तुम्हारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी के मार्केटिंग हेड खुद इस एड कैंपेन को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आएगा। आई होप सो। हेलो, आप वो लकी इंसान हैं जिसे करोड़ों की कंपनी का मालिक बनाया जाता है। विल बी शट अप, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, वन मोर आइडिया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से टूट गया। आउट, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, गेट आउट ऑफ दिस बिल्डिंग, गेट आउट ऑफ दिस सिटी, गेट आउट, नो, आउट, गेट आउट ऑफ दिस बिल्डिंग। I mean, come on, please. शकल और हाइट देखकर तो आया करो। डॉली कुमारी के रैंप पर सिर्फ टॉप मॉडल्स वॉक करते हैं, डार्लिंग। What? I'm sorry, Dolly. I'm late. What sorry? Just go away, okay? I'm sorry, Dolly. तुम मेरे यहाँ नौकरी करती हो और मिलेनियर फैशन हाउस में काम ढूंढ रही हो। I mean, what do you think? I don't know. I'm sorry, Dolly. Just go away, leave. Do I need you? Thanks. No. Wait, Shruti. Hang on. क्या नाम बताया था तुमने अपना? संभलता सा नाम, संबिंदी और समथिंग, हाँ? काजल। काजल, व्हाटएवर। ओके, काजल तुम इसके साथ जा। श्रुति, प्लीज टेक काजल विद यू। ये श्रुति है ना, ये आम इंसान के लिए डिजाइन करना चाहती है। आई मीन, कैन यू बिलीव इट, फैशन फॉर द कॉमन मैन। सो प्लीज, तुम परफेक्टली फिट होगी। प्लीज टेक हर, गो गो। और तुम जी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? काम नहीं है क्या? तनख्वाह कम कर दूं तुम्हारी? ओ हाय जतिन, अब तुम डॉली कुमारी के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो। यू आर गोइंग प्लेसेस हनी, डोंट वरी। लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। इफ यू हैव पेशेंस विद मी, इंडिया एंड स्टे आउट जर्क। ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, देखती रहना तुम। यू डू दैट, वेस्ट ऑफ स्पेस। हाँ शिमा। नेहा, अच्छा यार तू आ गई। घर का रेंट भरना, गाड़ी की ईएमआई भरनी है, आई मीन सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई यार। और फिल्मों में भी कुछ खास रोल नहीं मिल रहे, उससे अच्छा टीवी सीरियल ही करूं। मुक्ति कपूर से बात कर, अब तुझे सीरियल्स में कोई काम नहीं देगा। हा? उसने तुझे पहले ही कहा था कि वो तुझे टीवी इंडस्ट्री में नहीं रहने देगी। नेहा, देख आशिमा, मैं आज के बाद तुझसे नहीं मिलूंगी। क्यों आशिमा? उसने मुझे पार्वती का काम देखने के लिए बुलाया है और उसने मुझे इसी शर्त पे काम दिया है कि मैं तुझसे कोई रिलेशन ना रखूं। आई हैव टू गो। नेहा, तू सेक्रेटरी बाद में, मेरी दोस्त पहले है यार। आशिमा, मनी है तो हनी है। बाय, टेक केयर।
सच कहते लोग मन ही है तो आनी है। योर कॉन्सेप्ट इज बुलशिट। फैशन आम इंसानों के लिए नहीं है। लालची नहीं है, भले लोग हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो मेरी कंपनी को चला सकेंगे। अंकल कंपनी की चिंता मत करिए, कंपनी मैं चलाऊंगा, मैं हूं ना। अरे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये 60 करोड़ सिर्फ तेरे लिए है मेरे बेटे, सिर्फ तेरे लिए। और ये होंगे मेरी कंपनी के बारिश। हाँ भैया। What? क्या? क्या? प्लेन, हेलीकॉप्टर, फरारी। अपनी एड एजेंसी खोलूंगा, मेरा खुद का फैशन हाउस होगा। क्या? I'll have fun throughout my life. लाला, पैसे ला, लाला। अब तो जिंदगी से सिर्फ पाना ही पाना है, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। वसीयत की कुछ शर्तें हैं। क्लॉज नंबर 1, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंथली इनकम 1,00,000 रुपए तय की गई है। कंपनी के प्रॉफिट में सभी का इक्वल शेयर रहेगा, मगर प्रॉफिट 5 साल बाद ही मिलेगा। कोई भी मेंबर अगर कंपनी चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो छोड़कर जा सकता है। इस स्थिति में जितने भी मेंबर बचेंगे वही कंपनी चलाएंगे। अगर एक मेंबर भी रुकता है तो वो अकेले ही कंपनी चला सकता है। क्लॉज नंबर 4, किसी भी मेंबर पर अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ तो उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। क्लॉज नंबर 5, किसी भी स्थिति में अगर कोई भी मेंबर नहीं बचता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी चलाने की जिम्मेदारी मैनेजर पराग बत्रा को दे दी जाए। क्यों ना हम लोग कंपनी को बेचें और अपना अपना प्रॉफिट का शेयर ले लें और निकले यहां से। क्लॉज नंबर 6, किसी भी सूरत में कंपनी को बेचा नहीं जा सकता। कंपनी के पेपर्स आप लोगों के नाम ट्रांसफर हो चुके हैं, मैं आपसे 31 मार्च को कंपनी के ऑडिट पर मिलूंगा। शाम 8:30 बजे आप सभी लोगों को पहुंचना होगा। बट दैट्स माय पार्टी टाइम। मैं सुबह के 8:30 बजे की बात कर रहा हूं। बट दैट्स माय स्लीपिंग टाइम। उसे वर्किंग टाइम बना लीजिए। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप लोगों को मैं फुर्सत में बताऊंगा। ये सेठ जी मालिक बनाकर गए कि नौकर बना के गए? इससे ज्यादा पैसे तो राह चलते कमाते थे, यहाँ नौकरी करके टाइम की खूटी करने का। गुड मॉर्निंग सर। क्या? गुड मॉर्निंग सर। हड़बे, गुड मॉर्निंग, कहिए सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप तो बहुत लकी है जो आपका नंबर सिलेक्ट हुआ। नंबर तू ले ले, मालिक तू बन जा, पैसे मुझे दे दे। सर
एक कमीशन में आप वो पावर हासिल कर सकते हो जो सेठ जी के पास थी। सर, अगर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मर्जी से आपको एमडी चुन लिया तो आपकी सिग्नेचर के बिना कोई भी काम इस कंपनी में नहीं हो सकता। तो एमडी की तनख्वाह बढ़ जाएगी? सर, एमडी बनने से तनख्वाह या प्रमोशन नहीं बढ़ता। मगर हाँ सर, अगर कोई इमरजेंसी केस हुआ या क्राइसिस हुआ तो एमडी अपना पावर का इस्तेमाल करके साल भर में एक बार 15-20 करोड़ रुपया तो यूं निकाल सकता है। तब तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। दे आर नॉट गोइंग टू रिजॉर्ट, फॉलो देम। जहां कहीं भी हो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सारे के सारे मर्डर केस में पकड़े जाएंगे। ऑलराइट। एक मिनट सब, जरा हल्का हो गया तो सबकी तरफ से हो ले। हेलो पुलिस स्टेशन, हमने अभी अभी हाईवे पर गाड़ी में कुछ लोगों को लाश ले जाते हुए देखा। अरे क्या हुआ? अरे ड्राइवर सूख गया, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। किसी बहुत बड़े कबीले की साजिश लग रही है मुझे। थैंक्स बड़ी। थैंक यू। माय एस इज स्टिल हर्टिंग। डिस्गस्टिंग। मी और माय एस। लिसन, आई डोंट लाइक दिस नॉनसेंस। ओके, डोंट फाइट। गले लग जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ। डॉग। थैंक्स बॉबी। गले लगते ही सीधा हो गया। चलो साला। ब्रेक फेल नहीं हुआ था भैया, बस एकदम टनाटन है। बहुत जल्दी बस ठीक कर दिया लाला भाई। पहले किसी गैरेज में काम करते थे क्या? 70 खेल बसंतो खेले हवे सिखावे चंदो। उड़ती चिड़िया को देख के बता देते हैं नर है कि मादा। भला देखो कहाँ तक नजर जाती है आपकी। आजकल तुझ पे नजर है मेरी। क्यों? ताड़ लिया था पहली नजर में। टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन नहीं है, माइंड एकदम क्लियर है। What's up? Huh? You're looking hot. ये तो ढीले लंगोट का लगता है।
बड़ी प्यास है ससुरे को। बुझा दू प्यास के हम पकोला पिएंगे। जहर पिला रहा था आपको। ओम सूर्य नमः रुद्रा नमः ओम गणेशाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम सूर्य नमः रुद्रा नमः ओम गणेशाय नमः ओम शिवाय नमः ओम रुद्राय नमः शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। हे प्रभु बुरी बला से बचा। प्रभु बुरी बला से बचा, बुरी बला से बचा, बुरी बला से बचा, बुरी दृष्टि से बचा। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। ओम भगवते नमो 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 ओम सूर्या नमः ओम सूर्या नमः ओम भगवते नमः ओम भगवते नमः ओम भगवते नमः ओम भगवते नमः ओम गणगणपते नमः ओम गणगणपते नमः ओम विघ्नं कुर्वे देवा सर्वकार्य ओम भगवते नमः ओम सोच, आज से 25 साल बाद रोम के एक्सोटिक सिटी में हाथ में वाइन का ग्लास लिए तू खड़ा है। नहीं, इतनी मेहनत करेगा तो आदमी खड़ा कैसे रह सकता है। तू बैठा है, 25 लड़कियां खड़ी, यह सब कुछ करने को तैयार, मगर तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना काम करेगा तो आदमी क्या करेगा। लेकिन फिर भी नए नए वर्शंस निकल चुके हैं वाइग्रा के, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और मान लें अगर एक्साइटमेंट के अंदर हार्ट अटैक आ भी गया तो क्या है, थोड़ी किसी म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में इलाज होगा। अरे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स मिलकर तेरा इलाज कर रहे होंगे, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। दुनिया भर के चैनल पर एक ही न्यूज होगी, मशहूर बिजनेसमैन मणिचंद खीरा लाल की हालत नाजुक। दुनिया भर के लोग तेरे लिए प्रेयर्स कर रहे होंगे, वो तुझे देख रहे होंगे, मगर तू उनको देखने की हालत में नहीं होगा, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। और मान ले अगर एंजॉय करने से पहले तू मर भी गया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अरे जयसवाल जी की मूर्ति के बगल में उनसे बड़ी मूर्ति ऐसे करके तेरी लग जाएगी, एंड दैट्स आई डोंट नो व्हाट टू से। काम बचा लो भैया। नहीं, मुझे काम नहीं करना भैया। आई वांट मनी हनी, मुझे काम नहीं करना भैया। ये तो जादू टोना भी जानता है, इसकी तो परछाई से दूर रहना पड़ेगा। एक सेकंड, तू कहना क्या चाह रहा है? मतलब कि मुझे मनी चाहिए। हाँ, मनी चाहिए। हाँ, पर मुझे काम नहीं करना है। मुझे मालूम है, मैं थोड़ा वेस्टर्न दिखता हूँ, पर हार्ट इज देसी यार। अरे तू तो मुझे इमोशनल कर रहा है बे। तुमने मुझे छोटा भाई कहा ना, नाउ डू समथिंग। अच्छा, अरे मैं इमोशनल हो चुका हूँ। मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूँ जो ये सारे काम हेल्थ और विजडम के साथ कर ले। तू वहां देख, दुनिया की सारी खूबसूरतियां तेरा इंतजार कर रही। गो ब्रो, गो। Hey, oh.
सारा दिल मेरा आवारा बातें आवारा पन में ही करती है रातें आवारा दिल मेरा आवारा बातें आवारा पन में ही करती है रातें बिग बजट फिल्म में काम करोगी? हो सकता है। भरत भाई शाह का नाम सुना? फिल्म फाइनेंसर। अरे फाइनेंसर तुम्हारे लिए होंगे, मेरे तो बहुत खास दोस्त हैं और मेरे कहने में 25-50 करोड़ रुपए किसी भी आर्टिस्ट पे लगा देंगे। सच में? बस एक टेलीफोन पर एक ऑडिशन दे देना। मैं फिल्मों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कुछ भी? इतना भी कुछ नहीं है। एनीवे, तो मैं फोन लगा देता हूँ, एक डायलॉग समझा देता हूँ तुमको। हाँ? वो डायलॉग उनको बोल देना। बिल्कुल, ठीक है? ऐसे ही करूंगी मैं। डायलॉग कुछ ऐसा होगा। हाँ? डैडी, दर्द बहुत। डैडी, डैडी वन मोर। डैडी, डैडी, और कुछ है कि नहीं? हाय बॉबी। हाय डैड, ये लीजिए अपनी होने वाली बहू से बात कीजिए। बहू जी तैयार हो गई। हाँ हाँ हाँ, कराओ कराओ बात। तुम डैड डैड डैड, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ डैड डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे क्या कहूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। डैड डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ डैड। डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आप
तुमसे क्या कहूँ? कमाल 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 काम कर दिया, इससे ज्यादा अच्छा मत करना और करना भी मत, होगा भी नहीं। रहने दो रहने दो रहने दो, इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना। हेलो बेटा, ये एक थी या चार थी? एक ही है। नहीं करना नहीं है काम, नहीं करना है, तुम ही नहीं तो मेरे दर्द को समझा है। चलो चल के एक और अच्छा काम कर देते हैं। अच्छा काम क्या? हाँ, ये श्रुति और गौरव को भी चक्कर चला देते हैं ना। तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, मैं तेरी एड एजेंसी खुलवा दूंगा, भले थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़े, लगा दूंगा। अच्छा चल चल के खाना खाते। ओके जो मीरा का कह रहा है श्रुति तुम। अरे ये रास्ते भर ये श्रुति 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 करता हुआ क्या? जा 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 जल्दी जा जा। देखो ये कुछ कह रही है सर, क्या? कुछ यहाँ का खाना बहुत अच्छा है सर, सर खाना खा के चाहिए ना सर। प्यार से कह रही है तो कैसे नहीं, तुम क्या टांग पसार के बैठ गए? तुम्हारा तुमसे मुलाकात करनी है तुम्हारा। चलो स्टूपिड पागल, चमार तू कैसे साली, अरे चल तू से मार जा। एक सेकंड क्या हो गया? मोहल्ले में धंधा करने आई थी। अच्छा मगर वो शरीफ है कौन? ये है वो शरीफ इंसान, मुझे फोन करके बोलता है मेरे बीवी बच्चे घर पे नहीं है, चल आ जा। अरे 5,000 में तय हुए थे और जब काम हो गया प्यार मोहब्बत के बातें करने लग गया, बोले बाद में लेना, और जब मैं चिल्लाने लगी तो शोर मचा कर अभी बोल रहा है कि मैं शरीफ इंसान हूँ। अरे झूठ बोल रही है ये, चल भाग यहाँ से, सालिम मुझे बदनाम करना चाहती है। पिछली बार भी तूने ऐसा ही किया था, साला मुफ्त में एंटरटेनमेंट लेना चाहता है, मैं क्या कोई टाटा स्काई हूँ जो 2 साल तक मुफ्त में चलूंगी? इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा वाला। चल निकल मेरे पैसे। पुलिस को फोन करके बुला। अंदर कराओ इसको। एक सेकंड, एक सेकंड, अंदर कराओ। एक सेकंड भाई, आप जरा इधर आएंगे प्लीज? क्या है? आप मुझे अन्यथा ना ले। क्या ना ले? आप मुझे गलत ना समझे। हाँ तो ये बोलना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, आप तक कुछ तो पैसे पहुँच जाएंगे, भले ये पैसे दे या ना दे। वो कैसे? वो जैसे भी पहुंचेंगे, आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। अरे कार्ड ले लेना, ये ले ले। एक ही चाहिए था, ये दो दो क्यों दे दिया आपने? अरे यार अपने यार दोस्तों को भी दे देना थोड़ा, वैसे भी तो बहुत शरीफ लगता है। बाय साहब, जुर्म का साथ देना जुर्म को बढ़ावा देना है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये दे रहे थे बढ़ावा। खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू मैडम। वेरी नाइस ड्रेस मैडम। थैंक यू। टिप के लिए तारीफ नहीं किया था मैडम, ड्रेस वाकई बहुत अच्छी है मैडम। थैंक यू। वाओ डैम गुड क्रिएटिव लाइन, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। आखिर क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग मुझ पर थोप देना चाहते हैं? ब्रो आप नहीं लोगे तो कौन लेगा, और आपने तो प्रॉमिस भी किया था। मुझे अब यकीन है कि मेरी एड एजेंसी खुलेगी और मेरा अपना फैशन हाउस। मैंने तो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। और ये तो डिसाइडेड है, साल में मैं सिर्फ 3 फिल्में करूंगी, एंड दैट आल्सो बिग पैनल्स। हाउ कूल इज दैट? मैं तो 6 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूं। एंड यू नो व्हाट, हमें आप पर पूरा भरोसा है। यहाँ आने से पहले मैं बिल्कुल टूट चुका था, यहाँ आया था तो कई उम्मीदें थी, फिर विल सुनने के बाद ऐसा लगा कि सपना सपना बनकर ही रह जाएगा, पर आपने तो मेरे सपने को नई जिंदगी दी है। आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ योर फैमिली ब्रदर। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाय बेटा। हेलो डैड। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? छुपा नहीं रहा हूं डैड, कुछ बताना चाह रहा हूं मगर हिम्मत नहीं बन रही। बताना बेटा। डैड मैं आपसे कहता था ना, नो इमोशंस नो अटैचमेंट्स, जिंदगी में पहली बार अटैचमेंट हो गई है और बहुत तकलीफ हो रही है। लगता है हमारी किस्मत में
बहू का मुंह देखना नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी लगी, तूने हमारी खुशी के लिए कोशिश तो की। देखो बेटा, परेशान मत होना और एक बात ध्यान से सुनो, अगर भलाई का इरादा दिल में हो और भलाई ना कर पाओ तब भी पुण्य मिलता है, और बुराई का इरादा दिल में आए और बुराई ना करो तो भी पुण्य मिलता है। अच्छे काम को इनकरेज करने के लिए तो ऊपर वाला भी इंसेंटिव देता है बेटा। समझ गया, तो अब घर आ जाओ, हम जिद नहीं करेंगे। अब आप देखिए, मैं ये मुश्किल काम कितना पीसफुली करता हूं। पत्रा साहब, ये साला भविया मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार वही होगा पत्रा साहब, और ये वो अकेले कंपनी चलाना चाहता है ससुर। ऑलराइट, थैंक यू। बॉबी को लाला भाई के मर्डर केस में फंसा दो, लल्लू पंजू तो ऐसे ही डर के भाग जाएंगे, और हां, लाला भाई को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ो जहां पर उनको जमीन तक नसीब ना हो। ओके बॉस। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे लाला भैया, क्या हो गया? भविया साला, अरे डरो मत, हम आवत है। पुराना दुश्मन है, पहले मैं तो निबड़ लूं, एक मौका। हम कह रहे थे ना, यही है हत्यारा। अरे काहे चिल्ला रहे हो, छोड़ दो, आवाज बढ़ जाएगी लाला जी। एक सेकंड। हाँ लाला जी, छोड़ दिया आपको, अब हमारे बारे में गलत सोचेंगे कि कुछ दूसरों का भी। आइए, खुद ही पकड़वा के, खुद ही छुड़वा के, खुद ही फेड़ा के, खुद ही अपने लोगों को मारे जा रहा है। कतना नौटंकी है रे बबिया। अरे देखो लोगो, अरे ये देख लो, अरे नौटंकी देखो, अरे अपने ही लोग। क्या बोलते हो लाला जी, नौटंकी छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल माइंड क्लियर, टेंशन बिल्कुल नहीं मेरा बबिया। अरे क्या करे करम चले।
अच्छी शहनाई बजाई है आपने लाला भाई। धन्यवाद। लेकिन कौन किसकी बजा रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। बॉबी अरोड़ा, सन ऑफ प्रकाश अरोड़ा, एक रईस बाप की इकलौती औलाद, खुद काम नहीं करते, दूसरों के पैसों पे जीना चाहते हैं, ये इंजॉय करते हैं, रिश्तों में यकीन नहीं रखते, ये कई लड़कियों से प्यार है इनका, इसीलिए तो शादी नहीं करना चाहते। दूसरों की जिंदगी इनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। क्या कहा था इन्होंने सीएमडी बनने के लिए, कौन सी थ्योरी समझाई थी, ये खुद अकेले काम। लाला भाई आप इसकी बातों में मत आइए। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया ताकि ताकि सबके सपने पूरे हो सके। आप पीछे क्यों जा रहे हैं मुझसे? इनसे बढ़िया डील मैं देता हूं, चलो आप लोगों को। सभी लोग इस एग्रीमेंट पर साइन करो और 10-10 करोड़ रुपया लेकर जिसके जो जी में आए जाके करिए। आइए। क्या लिखा इस पेपर में? यही कि आप लोग अपनी मर्जी से इस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। With 10 crores you can have fun, Lala bhai. कहाँ साइन करना है? Over here. ऐसी गलती मत करो। ये आदमी अगर एडवांस में 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो समझो कि इस कंपनी की वर्थ क्या है। बहुत टेंशन भैया, तुम्हारे चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, ये आदमी धोखेबाज है। धोखेबाज तो मामा भी। 10 करोड़ हमारे लिए बहुत होता है और हमें आपकी जरूरत भी नहीं है, प्लीज। चलिए आइए साइन कीजिए और 10 करोड़ रुपया लेकर ऐश कीजिए। I won't do that. मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम हम सबके सपने पूरे करना चाहते हो ना भैया,
तो साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा, और हकीकत क्या है इस बात का पता सबको तब चलेगा जब ये विल खुलेगा। 27 जनवरी 2008 को जायसवाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के असेट्स एंड लायबिलिटीज की टोटल नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़। ये कंपनी 1200 करोड़ रुपए की कर्जदार है। इस 1000 करोड़ पे बैंक का 1200 करोड़ रुपए लोन है। अंकल मुझे मुझे माफ कर दो अंकल, मैंने कितना गलत समझा आपको, कितना गलत समझा। आप भी आइएगा भैया। आएंगे आएंगे लाला भाई। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब भैया बचाई क्या है यहाँ रहने के लिए। सॉरी सर, आप लोग वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लीगली कंपनी के मालिक अब आप लोग हैं, इसलिए कंपनी के 1200 करोड़ का कर्ज भी आप लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। क्या अखला गए हो क्या? जब लिया नहीं है तो देंगे क्यों? Who are you? मैं बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक मिनट, टेल मी समथिंग, जब मिस्टर जायसवाल मरे थे तब आप कहाँ थे? सर, बैंक के प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है। हाँ तो बुढ़ा हो गया तो कुड़की कर लो। यू आर राइट सर, मगर हमारे पास कंपनी के नए मालिकों के पेपर आ चुके हैं, इसलिए बैंक कुड़की नहीं करवा सकता, वसूली करेगा। ये लोग आपके साथ हैं? जी हाँ, अभी आपके साथ रहेंगे, अब से ये लोग आप पर कड़ी निगरानी रखेंगे। एक्सक्यूज मी, पहले आसपास वेटर हुआ करते थे, आजकल ये ससुर पुलिस वाले। सुनो भैया, बैंक वाले का हो तो काट देना। हेलो हेलो गौरव सर, हाँ बोल रहा हूँ। मैं खाना खजाना रेस्टोरेंट से बोल रही हूँ सर। सर, आपने जो बोर्ड पर क्रिएटिव लाइन लिखी थी ना, उससे हमारा रेस्टोरेंट चल निकला है। ओह, आप हमारे रेस्टोरेंट में डिनर पे आइए ना प्लीज। प्लीज सर, क्या मैं अपने दोस्तों को साथ ला सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट सर। थैंक यू। खाना खजाना रेस्टोरेंट वाले का फोन था, हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है। अरे भाई, आप तो भूखी मर गई। लाला भाई, आपने दो दिन से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, खाइए ना सर। आई एम प्राउड ऑफ यू लाला भाई। अब गौरव जरा सोचो, तुम्हारी एक क्रिएटिव लाइन से इस रेस्टोरेंट की किस्मत ही पलट गई। अगर हमसे वापस में मिल जाए तो क्या अपनी किस्मत नहीं पलट सकते? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? जब प्रॉफिट था तो थैंक यू, जब लॉस हुआ तो बाय बाय। तुम लोग सब इस बात को लेकर परेशान हो कि तुम पर 1200 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन तुम लोग ये क्यों भूलते हो कि तुम लोग 1000 करोड़ के मालिक हो। 1000 करोड़ के मालिक, और इतना रुपया बहुत होता है बहुत सारा रुपया बनाने के लिए। भाभी, हमें छोटे सपने मत दिखाओ, डर लगता है। किस बात का डर लगता है? खोने के लिए शायद किसी के पास कुछ नहीं अभी। अब जो कुछ भी है जिंदगी से पाना ही पाना है। भाभी सही कह रहा है। अरे लाला भाई, लाला भाई लग जाती तो। अरे चोटे तो लगती रहती हैं भैया, पर हौसले नहीं पस्त होने चाहिए। अरे आपस में क्या गिला शिकवा, क्या कहते हो भाभी? टेंशन नहीं है लाला भाई, सबका माइंड क्लियर है। अरे एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, हम साथ हैं। Yeah. I mean it. We'll do it. Yeah. ऐसे कई सारे गोडाउन्स में कपड़ा भरा पड़ा हुआ है,
और सेठ जी से बेच नहीं पाए। नो सर, हमारी कंपनी कोरिया की एक कंपनी को यही कपड़ा रेगुलर एक्सपोर्ट करती थी। उस कंपनी ने हमारे सेठ जी से ये कंपनी खरीदने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद उस कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ काफी बड़ी डील की और जब हमारा कपड़ा रेडी हो गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से यही कपड़ा तैयार करने के लिए सेठ जी ने शायद उस बैंक से लोन लिया होगा। हम अपने गारमेंट्स खुद बना सकते हैं। हमारी कंपनी सस्ते दामों में फैशनेबल कपड़े आम इंसानों तक पहुंचाएगी। इट्स अ रिस्क बट इट्स नॉट अ बैड आईडिया। हम टारगेट करेंगे उस 40% अपर मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास को जो डिजाइनर कपड़े पहनने का ख्वाब देखता है पर पूरा नहीं कर पाता, और उनका ख्वाब ही हमारी जीत है। एग्जैक्टली, हम उन्हें पहनाएंगे बढ़िया कपड़े और वो भी उनके बजट में। उम्मीद जो तेरे साथ है, डरने की ना कोई बात है। उम्मीद जो तेरे साथ है वो भी से है, अभी रात है। बदहोशी में भी होश है, जो कुछ करने का जोश है। जीतना हाँ जीतना हाँ जीतना इस तो बिग डील। फायर फायर हार्ट्स ऑन फायर, strong desire, fire, fire, my heart's on fire, burning, raging, strong desire. जाइए, आज सबकी ड्यूटी करनी है, ओके? सुनिए, आप सबके लिए खुशखबरी है। वो क्या? हम आप लोग आजाद हैं। मतलब ये कि अब आपको कोई कर्जा नहीं देना होगा। हाँ? जयसवाल टेक्सटाइल कंपनी को एक कोरियन कंपनी खरीद रही है और बैंक का लोन भी वही अदा करेगी। शिट! एक मिनट, हमारे एक सिग्नेचर करने से बैंक हम पे पुलिस वाले लगा सकते हैं। इसका मतलब वो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? शुक्र मनाओ कि तुम लोगों की जान छूट गई। क्या आप चाहते हैं कि जयसवाल का नाम हटा के किसी कोरियन कंपनी का ठप्पा लगा दिया जाए? वो कोरियन कंपनी भी जयसवाल का नाम ही रखना चाहती है। कंपनी का नाम होगा कुजुकी जयसवाल। कृष्ण कुमार जयसवाल कुजुकी जयसवाल नहीं बनेगी। आप हमारी बैंक मैनेजर से बात करवाइए। ठीक है। रिस्क तुम्हारा नहीं, हमारा है। आप हमारी स्ट्रैटेजी को सुने बिना प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिए। सर, हमारी कंपनी में 600 वर्कर्स है। इनका सैलरी अकाउंट खुलेगा आपके बैंक में, जिसका मंथली टोटल बनता है 1,35,00,000 रुपया। डिपॉजिट होगा आपके बैंक। ओके। और इसके अलावा हमारे कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे ढेर सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं। वी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। या एंड कंपनी का कुछ ही महीनों के अंदर कई करोड़ का बिजनेस हो जाएगा और वो कंपनी अपनी जेब में नहीं रखेगी, डिपॉजिट करेगी आप ही के बैंक में। वर्कर्स की सैलरीज बढ़ेगी, वो सेविंग्स करेंगे आप ही के बैंक में। वर्कर्स होम लोन लेंगे आप ही के बैंक से। व्हाट आर योर बिजनेस आइडियाज? आइडियाज तो हमारे पास बहुत है सर, पर प्रॉब्लम ये है कि आइडियाज की चोरी भी बहुत हो जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम हमारे आइडियाज किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। नेवर। सर, दरअसल आप आज के बारे में सोच रहे हैं, आप कल के बारे में क्यों नहीं सोचते? कल किसने देखा? गांधी जी ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था, धीरूभाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था। आज तक कल किसी ने देखा है? गांधी जी ने देखा था, धीरूभाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे जी। सर, मैं तो ये कह रहा था कि बैंक का बिजनेस तो कल पे डिपेंड करता है ना। सर, एक अच्छा बैंक रिश्ते बनाता है, बिगाड़ता नहीं। गाइस, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद योर एंथुसियाज्म एंड योर आइडियाज। अगर 3 महीने में बैंक के अंदर 100 करोड़ जमा हो सकते हैं तो बैंक तुम्हारे साथ है। थैंक यू। फैंटास्टिक, माइंड बॉगलिंग। वेल डन श्रुति। कपड़े तो बन गए मगर बेचना तो बाकी है। मैंने तो सोच लिया, हम लोग अपनी खुद की बुटीक खोलेंगे। नॉट पॉसिबल। 100 करोड़ का माल एक बुटीक में कैसे बिकेगा? नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, शहर में जितनी बुटीक्स हैं वहाँ अपना कपड़ा बेचेंगे। दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी
अपने शोरूम में हमारा प्रोडक्ट बेचने क्यों देगी? आई मीन रॉकी का प्रोडक्ट कभी जॉकी के शोरूम में बिका? एक काम करें, किसी अच्छे फैशन शो में पार्टिसिपेट कर ले। That's a great idea, Bobby. अभी सिर्फ मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे। हमारे मॉडल्स आम आदमी होंगे। आम आदमी? हाँ, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ग्रेट, सारे मॉडल्स आम आदमी होंगे, यही शो की खासियत होगी। करेक्ट। ये काम करने के लिए बुलाया था हमको? अरे ये सब रईस हो गए चोंचले हैं लाला भाई। फिर? अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो शोहरत भी मिलेगी और इज्जत भी, और अगर हम लोग जीत गए तो हम सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मुझे भी अपनी नौकरी प्यारी है और अपना धंधा भी बिल्कुल चकाचक चल रहा है। हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम अपने आप से और सभी से? बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी जिंदगी देख चुका हूँ। तुम जिस दुनिया से आई हो वहाँ पर कपड़े भी उतार दिए जाते हैं और गालियां भी दी जाती हैं। चल के वो दुनिया भी देख लो जहाँ पर थोड़े से कपड़े पहनोगी, थोड़े से उतारोगी और तालियां भी मिलेंगी। तुम सभी को अपनी जिंदगी दर्शक की निगाह से देखने की आदत पड़ गई है। कभी मैदान में उतरकर खिलाड़ियों की तरह खेलने का मन नहीं करता क्या? जिंदगी में कुछ पाने के लिए एक मौका हमारे पास है और एक मौका आप सबके पास है। लाला भाई, जिसका काम उसी को भाए, दूजा करे तो डंडा खाए। सीधी बात है। चमन लाल भैया, तू तो उजड़ा ही रहेगा। पाने से ज्यादा खोने के डर में क्यों जी रहा है? साहब, आप जितनी टिप देते हो उतने में हमारी दो वक्त की रोटी चलती है। हाँ, मगर दो वक्त की रोटी जीने की वजह तो नहीं हो सकती ना। परफा जी, आम इंसान इससे ज्यादा और क्या सोच सकता है? तुम आम इंसान इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरे की लड़ाई का हिस्सा बनते हो, खुद की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते। तुम खुद को बोझ मान कर बैठे हो, तुम्हें बोझ बनने से कौन रोक सकता है? अरे मौका मिला है, मार लो चौका। छक्के भी छूट सकते हैं लाला भाई। अरे इसका क्या करूं मैं यार, सोच से गरीब क्यों है। थिंक पॉजिटिव। लेकिन लाला भाई, वहां तो लड़कियां मुझसे भी लंबी होती है, मुझ ठिंगने को देखकर सब हंसेंगे। क्या ये डबल रोटी लेके उधर चलूंगा मैं? अब इनसे निपट लो। गौरव, लोग इसी तरह हम पर हंसेंगे। अरे ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। ये लो, हम खूबसूरत हैं और हमें नहीं पता। आप लोगों को खूबसूरत दिखाना मेरा काम है। इंसान खूबसूरत अच्छे लिबास से दिखता है। एंड बाय द वे, खूबसूरती का मतलब सिक्स पैक या 36, 24, 36 नहीं होता है। हाँ। और जिन लोगों ने खूबसूरती को इन दायरों में बांध रखा है उन्हीं के दायरों में जाकर उनको तोड़ना है, क्योंकि खूबसूरती से बढ़कर कपड़ा होता है और कपड़े से बढ़कर नखरा होता है। गरीब होने से क्या हो गया, इंसान स्टाइल नहीं मार सकता क्या? और यही तो प्रूव करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। एग्जैक्टली, वी ऑल कैन डू इट। जस्ट गिव मी 15 डेज, 15 दिन की ट्रेनिंग में आप लोग रैंप पे चलेंगे। ए हट, ए तू क्या पागल है क्या? तेरे को लगता है अपना काम धंधा छोड़ के किधर फैशन करेगी? दिन भर मैगजीन देख सकती हो, मैगजीन में खुद को नहीं देख सकती? बीवी बच्चों को छोड़ के खूबसूरत बनने का शौक मुझे नहीं है, जिसको है वो यहाँ रुके, मैं तो चला। सत श्री अकाल। तू क्यों इतना बोल रहा है? तू तो खुद इस कंपनी में काम करता है। करता था, लेकिन अब ये कंपनी बिक जाएगी। बिक जाएगी मतलब? हाँ, बिक जाएगी। और मेरे साथ साथ 600 वर्कर्स भी बेरोजगार हो जाएंगे। अरे हम लोगों को तो अपनी अपनी फैमिली की चिंता है। आर में गया वो 600 फैमिली भूखे मर रहे, लो हमारा क्या जाता है? चलो चलो चलो। चलो, बैकस्टेज वहां पे है। हाँ चलो चलो चलो, मेकअप करो। गर्ल्स इधर और बॉयज उधर जा सकते हैं, वहां पे भी है। आप भी चलो ना, क्यों रुके हो? अब तुम डॉली कुमारी के कांटेक्ट में आ गए हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ थिंग। बट दिस वन थिंग आई हैव टू टेल यू हनी, एंड दैट इज दैट हर चीज का एक वक्त होता है, यू नो व्हाट आई मीन। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी करो भाई। श्रुति डॉली, ये फैशन शो दिखाने के लिए तुम ये सड़क से कहां से उठा के ले आई लोगों को? हां एक्सक्यूज मी, दीज आर माय मॉडल्स बाय द वे। मॉडल्स? हे गाइस, लिसन नाउ, यू हैव गॉट टू हियर दिस, श्रुति हैज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, आई मस्ट से। हां
इसका कलेक्शन ये सड़क छाप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। Excuse me? What? For the first time, रैंप पर मॉडल्स नहीं, सर्कस के जोकर्स वॉक करेंगे। चुप। Oh, God. तुझे आइचा को काय बोल रही तू? I don't even understand what she's saying. Which language she speak? I don't even. Hey, क्यों बोलो चलेगा क्या? किन्नो. नमस्ते, आंटी. आंटी जी नमस्ते. नमस्ते. डार्ली आंटी, थैंक यू। मैं क्या जी, सस्रीकाल आंटी जी। कैम जो आंटी आंटी जी कुछ लाऊं? आइटम आंटी। यू ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, ऐसे आंटी आंटी बोलते? आई नो, जस्ट लुक एट देम, व्हाट आर दे सेइंग? आउट चुके, सॉरी बोलो। आंटी जी आप कुछ कह रही थी। शट अप। I know you've got to do something. Please, excuse me. One second. There's a woman inside, Shruti, who's doing something that's going to lower the standards of your international fashion show. You better do something. Just look at who she's hired for models. All right, chill, relax. I'll just check it out, okay? Yeah, better. I mean, come on. Miss Shruti. Miss Shruti. One second, guys. 1 minute. I need to talk to you. How can I help you? I'm sorry to inform, but your entry is cancelled. Cancelled? Why? क्योंकि रैंप पर जो मॉडल्स चलते हैं उनका एक सेट स्टैंडर्ड होता है और तुम्हारे कोई भी मॉडल्स उस कैटेगरी में फिट नहीं होते, इसलिए। But and by the way, who are you to judge that? I am the authority and it's an international standard. I hope I have made myself very clear to you. Now move out of my way. Hello. Excuse me, please. Bobby. Excuse me, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलिए। इस इवेंट के चेयरमैन यहाँ पर 5 मिनट के लिए आ रहे हैं और एक बार उन्होंने हाँ कर दी तो फिर कोई मना नहीं कर सकता। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो उन्हें कन्विंस कर ले? Well, I will try. Yeah, I will try. Let's go. चलो, 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 चलो। जाके बात करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा यार, चेयर पे रहे। घंटों से रोक के खड़े, दूसरा बाथरूम ही नहीं मिल रहा है। ये लोग तो यही है, चला जाएगा। आई थिंक वेल डन गाइस, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वेरी गुड। या सर, हम इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मगर हमारी एंट्री कैंसिल की गई है। क्यों? क्योंकि हमारे मॉडल्स ये हैं सर। हेलो सर, प्रणाम करो। प्रणाम सर। पीपल थिंक कि हमारे मॉडल्स मॉडल्स नहीं, सर्कस के जोकर दिखते हैं सर, एंड दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा आज तक नहीं हुआ और ये जरूरी नहीं जो आज तक नहीं हुआ बुरा हो, अच्छा भी हो सकता है। यू कैन गो अहेड। अरे बुरा बॉबिया, अरे देखिए देखिए वाले साहब, हमारा दोस्त है बॉबी। अरे बुला के आते हैं। ए बॉबी, ए क्या सज्जन मारा हो वालिया साहब, बड़े सज्जन आदमी है। करो, अरे बहुत अच्छे आदमी है। अरे अरे वालिया साहब, ये देखिए बॉबी अरोड़ा, हमारा दोस्त। अच्छी तरह जानता हूं। जानते हैं। तुमने अगर अपने मॉडल्स चेंज किए तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे। हाँ तो मिस्टर बेरा, नाउ यू कैन प्रोसीड। सर, आई एम ग्लैड टू मीट। शट अप बॉबी, आई एम इन मीटिंग। थैंक यू सर। वेलकम टू प्रवोक फैशन गाला 2008, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। Crazy, crazy, sexy, crazy, shake your booty, babe, shake your booty, babe, shake your booty, babe. One more time, shake your booty, babe, shake your booty, babe,
Shake your booty, babe.
एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टू मेक। ये 12 मॉडल्स अगले साल मेरे कैलेंडर में फीचर करेंगे। एंड दिस इज माय वर्ड। साबित कर दिया कि ऊपर वाले ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। खूबसूरती एक बाजार नहीं बल्कि जीने का सलीका है, और इसी बाजार में जायसवाल टेक्सटाइल आम इंसान की जरूरत बन गया। कपड़ों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बैंक ने हर छोटे बड़े शहर में फैशन स्टोर खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, लेकिन बैंक की एक कंडीशन है, हमारे बैंक के कस्टमर्स को तुम्हारी कंपनी डिस्काउंट देगी। ओके, तो अपने सीएमडी को भेजकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। क्या सिर्फ सीएमडी मालिक नहीं? जेब में जिसके है मानी वही धनी है। दुनिया ने गाँव में और बाहों में हानि है। दिल है दीवाना तेरा मेरे दुलारा। मीरा देवी माँ, ये तेरी बहू है मीरा। अब पाँव छू रही है। शादी कर ही डालू। थिंक पॉजिटिव बोला था, थिंक स्टूपिड नहीं। तेरी मेरी जोड़ी तो कमाल करेगी।